अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आलिया, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया लाइव व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो मैंने शुरू किया है बाहर से, घर से नहीं किया है गाइज। मैं आई हूँ नकाब की शॉप में और यहाँ पर ये मैंने ये वाला ट्राई किया है। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताइएगा। मुझे काफ़ी पसंद आया ये, मैं देख रही थी, मतलब मैं अपने लिए नहीं किसी और के लिए तो ट्राई कर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ लिया जाए, तो मैं यहाँ पर ट्राई कर रही थी, मुझे पसंद आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने तो फैल जैसे कहा अभी नहीं लेते हैं, थोड़ा बहुत और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बुरखे मिलते हैं अलग अलग शॉप्स में। फिर वापस आ गए थे, आइसक्रीम ले ली क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। तो आज काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है मैंने, मेनेस्टो भी गई, फाइव रियल शॉप गई। तो काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बनाया मैंने, 4-5 दिन हो गए नहीं बना रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गाइज यहाँ गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो थोड़ा सा लो सा फील हो रहा था, तो कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। तो फाइव रियल की शॉप से जो मैं लेकर आई हूँ, मैं आप लोगों को वो दिखा रही हूँ। मैं इस तरह से गोल्डन और मिरर का लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारा सा, बीच सेंटर टेबल में रखने के लिए बहुत ही प्यारा है डेकोरेट का, तो बहुत अच्छा डेकोरेशन का पीस है ये। तो ये दो लेकर आई हूँ मैं, और दोनों का ही डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। और ये आप कह सकते हैं कि 5 रियाल कुछ हलाला, यानी कि 6 रियाल का, यानी 120 रुपीज़ का है ये, 120 का ऐसे कह सकते हैं, इंडिया का प्राइस मैं बता रही हूँ। साथ में ये मैंने मिरर लिया है, बहुत ही क्यूट सा, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं हमेशा से इस तरह का मिरर चाहती थी, पर मुझे मतलब नहीं मिला था कभी, या मुझे कभी दिखा नहीं शायद, तो मैं नहीं ले पाई। अगर दिखता तो मैं पहले ही ले लेती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इस तरह का मिरर, तो मेरे पास होना चाहिए था, तो मुझे यहाँ मिल गया, तो मैंने बस ले लिया। तो इस तरह से ना अच्छे लगते हैं, जो इस खड़े से मिरर होते हैं ना, तो अच्छा लगता है, प्यारा सा लगता है। कुछ मैंने किचन की चीज़ें ली हैं, ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर का, बहुत ही प्यारा प्यारा चम्मच वगैरह है, तो बहुत अच्छा लगा। और ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, साइज़ बहुत ही मीडियम है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। कुछ मैंने स्पून्स भी लिए हैं। तो ये मेरी 5 रियाल की शॉपिंग थी। अब मैं आपको नेस्टो की शॉपिंग दिखाती हूँ। तो मुझे कुछ कुछ घर की भी चीज़ें लेनी थी, जैसे कि ग्रोसरी वगैरह, नमक नहीं था, चीनी नहीं था, और वहाँ पत्ती भी नहीं था, ये तीनों चीज़ नहीं थी, और भी कुछ कुछ लेना था। तो मैंने सोचा कि शॉपिंग भी हो जाएगी साथ में, और वो चीज़ें भी ले लेंगे। और साथ में मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ही प्यारी सी यूनिकॉर्न की ड्रेस। ये मैंने अपनी छोटी बहन सानिया के लिए लिया है, बहुत ही ज़्यादा पतली है, बहुत 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 पतली है, वो सबसे छोटी है वो, और उसे क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो बहुत ही ज़्यादा वो पतली है, तो वो उसे फिट हो जाएगा ये इजीली। और बहुत पसंद आया मुझे यूनिकॉर्न बना हुआ है उसमें, तो मुझे अच्छा लगा। और टी शर्ट भी वाइट अच्छी लगी मुझे, वाइट टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है। और ये रेड कलर की मैंने टी शर्ट ली है, काफ़ी बड़ा साइज़ लिया है, ताकि मतलब रात में पहना जा सके, कम्फर्टेबल रहे। तो मैंने 3 टी शर्ट्स ली हैं, तो मुझे तीनों ही बहुत पसंद आए, और मतलब कलर भी सबके बहुत अच्छे हैं, और जो फैब्रिक भी है बहुत ही अच्छा है, काफ़ी मतलब अच्छा कपड़ा है, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े, मतलब हाथ में लेने से पता चल जाता है। तो सब कॉटन है, प्योर कॉटन है, ऐसा नहीं है कि मिक्स है या वो एक छल छल सा कपड़ा आता है ना, उस तरह का भी नहीं है, बहुत ही अच्छा। वाइट वाला तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, जैसे कि मैंने कहा वाइट मेरा फेवरेट है, तो मुझे वाइट में हर चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो वाइट कर्टन्स हो, वाइट बेडशीट हो, या चाहे वाइट टी शर्ट हो, या वाइट कोई ड्रेस ही क्यों ना हो, तो मुझे वाइट बहुत प्यारा लगता है। मुझे तो ना शौक भी है कि मैं वाइट कलर का बुरखा लूँ, लेकिन मुझे तो फैल जी लेने नहीं देते हैं, उन्हें ब्लैक ही पसंद है। इनफैक्ट वो ब्लैक पे कोई और सा भी नहीं लेने देते हैं, जो डिज़ाइन होता है ना गोल्डन कलर का या कुछ, उन्हें कहते नहीं, ब्लैक पे ब्लैक डिज़ाइन ही अच्छा लगता है। और जो चची गई थी मदीना, मतलब उमरे के लिए गई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि स्पेशली मेरे लिए मदीना से 2 जानेमाज़ ज़रूर लेकर आइएगा चची, तो वो मेरे लिए लेकर आई हैं। पहले में इस तरह से काबा का दरवाज़ा बना हुआ है, बहुत ही निहायत ही खूबसूरत, और दूसरे में इस तरह का डिज़ाइन है, बीच में काबा बना हुआ है, और कुछ कुछ डिज़ाइंस हैं, और काबा की दीवार का बना हुआ है डिज़ाइन, तो दोनों ही मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मैं जो मदीने से लेकर आई थी वो इस तरह का नहीं था, तो दो चारों ही अलग अलग हो गए, तो बहुत अच्छे हो गए। मतलब वैसे तो मुझे भी और लेने हैं, लेकिन मैं खुश क्योंकि चची मेरे लिए मदीना से जानेमाज़ लेकर आ गई, क्योंकि मेरा ना और दिल था लेने का, पर मैं मुझे वहाँ वक्त ही नहीं मिला। वैसे तो चची को भी वक्त नहीं मिला, वो ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई, तो पर मेरे लिए उन्होंने ले लिया। और ये देखिए चची लेकर आई है, सॉरी, मिरर वहीं से, और बहुत ही खूबसूरत यूनिक सा मिरर है, डिज़ाइन ऊपर बहुत ही प्यारा है। ये वैसे चचा ने उन्हें गिफ्ट दिया है, उन्होंने मुझे बताया था कि चचा ने उन्हें गिफ्ट दिया चची को। तो और जब हस्बैंड लोग को गिफ्ट देते ना, तो वो चाहे छोटी हो
से बड़ी हो बहुत स्पेशल हो जाती है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। और कुछ ये मतलब तस्वीरें लेकर आई हैं चाची, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस, कलर, शेप की, तो बहुत ही प्यारी प्यारी है, तो अच्छी लगी। ये बहुत सही रहता है, आप जानेमाज़ ले लो, तस्वीर ले लो, तो जब हम जाते हैं घर तो देते हैं, अच्छा लगता है। उसके बाद गाइस चची ने मेरे लिए छोले और भटूरे मंगा लिए। एक्चुअली क्या हुआ, फहद गया दूध लाने, तो उसने ऐसे जिक्र किया कि छोले भटूरे खाए थे उन्होंने, तो मैंने कहा किधर मिल रहा है, हालांकि मिल रहा है मेरे घर के नीचे मेज़बान में, मुझे पता ही नहीं था, बताओ। तो फिर मैंने कहा कि मेरे लिए भी फहद लेकर आओ, क्योंकि मेरा इतना दिल चाह रहा था ना गाइस, मैंने दिल्ली में ही लास्ट खाया था, और मैं दिल्ली में इतने ज़्यादा छोले कुलचे, छोले पूड़ी सब कुछ खाती हूँ बहुत ही ज़्यादा, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम में। तो मैंने बस फहद से कहा, हालांकि रात हो रही थी, इस टाइम 10 बज रहे थे या 9 बज रहे थे ऐसी गाइस, तो मैंने कहा फहद मेरे लिए भी ले आना, तो बस वही मंगवाया। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाया, और यूसुफ ने इतनी मस्ती की, इतनी मस्ती की, सच में फहद और चची जब से आ गए हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे भी और यूसुफ को भी। तो हम लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग करके पार्क चले जाते हैं, घर चली जाती हूँ मैं उनके, अच्छा लगता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ गाइस आज बिरयानी, काफ़ी टाइम के बाद मुझे परमिशन मिल गई तुफैल जी से, क्योंकि उन्हें बिरयानी नहीं है पसंद, मैंने आपको पहले भी बताया। मैं बना रही हूँ यखनी बिरयानी, इस तरह देखिए मैंने है ना चिकन को बॉईल कर लिया और पानी अलग कर लिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यखनी बिरयानी, और मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी बनाती है, बहुत टेस्टी। यखनी वाली बिरयानी तो हम मम्मी से ही बनवाते हैं, क्योंकि मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो यहाँ पर तैयार हो गई है, तो मैं यहाँ पर पैक कर रही थी, मैं ये अपने फ्रेंड के लिए लेके जाएंगे, तो फैल जी उन्होंने कहा कि 2-3 जगह पैक कर दो, तो मैं यहाँ पर वही पैक कर रही थी, वो लेके जाएंगे। और माशाल्लाह इतनी टेस्टी बनी थी ना कि, तो फैल जी ने भी मतलब जो बिरयानी के नहीं है शौकीन, खा लेते हैं बस इतने शौकीन नहीं है, वो भी कह रहे थे कि सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि सीरियसली यखनी बिरयानी में ना चावलों में भी काफ़ी फ्लेवर होता है गाइज। और अगले दिन मैंने भी मंगवा लिया अपने लिए छोले भटूरे, तो फैल जी से मैंने कहा जाइए लेकर आइए सुबह सुबह, हमने पहले चाय पी, फिर मैंने कहा नहीं मुझे थोड़ी भूख लग रही है आप लेकर आइए, तो बस ये गए नीचे से जल्दी से लेकर आ गए, गर्मा गर्म बड़े ही मज़े के लग रहे, सच में दिल्ली की याद आ गई छोटी हट्टी वाले की, मतलब इतने टेस्टी छोले भटूरे होते हैं उनके, ये भी बड़े मज़े के थे, अच्छे थे। लेकिन बस है ना छोले है ना टाइट टाइट से थे, जो छोले होते हैं ना वो थोड़े से और गलते थोड़े से। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।